साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत घाट अजमनी पंचायत के बुधवरिया गांव के निवासी विनोद मंडल की पत्नी मलोती देवी की बीते दिन सोमवार को घास काटकर आने के दरमियान हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसे ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही का कारण बताया था। आक्रोशित ग्रामीणों ने मंगलवार की सुबह मौत के विरोध में तथा मुआवजे की मांग को लेकर करीब 6 बजे से ही राजमहल साहिबगंज मुख्य सड़क नई चस्सी को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही राजमहल थाना प्रभारी चिरंजीत प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी उदय कुमार सिन्हा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर करीब 10 बजे सड़क जाम हटाया। करीब 4 घंटे तक राजमहल साहिबगंज नई चस्सी मुख्य पर छोटे बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित रही। ग्रामीणों ने बिजली विभाग अथवा जिला प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा वही पंचायत में लगभग गेहूं और गोरु और जानवर से ये प्राय 3-4 घटना हो चुका है। कितना बार हम लोग सूचना दें बिजली विभाग जो कि अभी तक लापरवाही है और नहीं सुन रहा। जो इस बार जो घटना हुआ है इसका बिजली विभाग का मुआवजा दे दे आप, प्लस हम लोग का जो क्षतिपूर्ति है वो फैसला कर दे। हम लोग रोड जाम को घर जमनी मुख्यापति महिला की मृत्यु हो चुकी है और ये बिजली विभाग की कोताही या वो सावधानी बरतने के कारण या ढंग से बिजली की व्यवस्था नहीं करने के कारण ये घटना घटी है। ये व्यवस्था में सुधार किया जाए और उसको उचित मुआवजा भी दी जाए। डीओ उदय कुमार सिन्हा ने बताया ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की गई है। तत्काल पीड़ित परिवार को 50 केजी चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, साथ ही पारिवारिक लाभ भी दिया जाएगा तथा सरकार के द्वारा 2 लाख की राशि देने के लिए अनुशंसा किया जाएगा और जर्जर तार को बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि एक तार गिरने से एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। उन लोगों के द्वारा जो मांग किया गया उसको स्टेट इंजीनियर जो इलेक्ट्रिक विभाग के हैं उनसे बात की गई, वार्ता की गई और जो भी उनका डिमांड है उनको 1 सप्ताह 1 महीना का जो भी समय है उसके समय सीमा के अंदर कर लिया जाएगा। तत्काल में उनको 50 किलो चावल की व्यवस्था की जा रही है, साथ में पारिवारिक लाभ भी दिया जाएगा, साथ में उनका जो सरकार के द्वारा जो उनको 2 लाख की राशि है वो देने के लिए अनुशंसा किया जाएगा। और यहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया है कि तार का जो है यहाँ पर जो लगाया गया है वो तार जो है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है, तो उसको बदलने की भी प्रक्रिया शुरू होगी और ग्रामीणों का सहयोग से हम लोग इस काम को कर लेंगे। साथ में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद।